ओके तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फाइब्रस फ्रैक्चर शीथ और डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक, अब ध्यान से देखें, पहली बात समझें। देखें, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मसल्स होती है हम लोग की बॉडी की, उसको आप समझ लें ईंटें, ब्रिक्स, और जो उनके ऊपर, जैसे कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो पहले उसमें ईंटें डालते हैं, फिर ईंटों को ऊपर से करते हैं प्लास्टर, करते हैं प्लास्टर ताकि वो सेफ रहें। तो जो प्लास्टर होता है उसे मैं बोलता हूँ डीप फेशिया हमेशा, वो जो प्लास्टर है वो डीप फेशिया, जो ईंटें हैं वो है मसल्स। ठीक, तो जो फाइब्रस फ्रैक्चर शीथ और डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन है, दोनों ही एक फिर से इंजीनियरिंग मार्वल है हम लोग की बॉडी के। ठीक, भगवान ने इनकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से करी है। अब ध्यान से देखें ये होता क्या है। तो मैंने आपसे जब वो पढ़ाया था पामर एपोनीरोसिस, तो मैंने कहा था कि जो पाम का सीमेंट होता है भगवान ने वो मॉडिफाई करके क्या बनाया, पामर एपोनीरोसिस। ऐसे ही जो हम लोग की फिंगर्स का सीमेंट होता है, मतलब जो फिंगर्स का डीप फेशिया होता है, भगवान ने इसको भी मॉडिफाई किया। ठीक, इनको मॉडिफाई करके क्या बनाया, फाइब्रस फ्रैक्चर शीथ। इनको मॉडिफाई भगवान ने कैसे किया, ऐसे भगवान ने इन डीप फेशिया को एक टनल के रूप में बनाया, एक टनल के रूप में, एक आर्क के रूप में। क्यों बनाया आर्क के रूप में, ताकि यहां से पास हो सके टेंडन्स किसके, फ्लेक्सर मसल्स के, क्योंकि ये फाइबर्स फ्लेक्सर शीट है, तो ऑब्वियसली बॉडी के फ्लेक्सर साइड होगी, ये होती फ्लेक्सर साइड, ये होती एक्सटेंसर साइड, तो फ्लेक्सर साइड होगी, मतलब यहाँ पे हम लोग कहीं फाइबर्स फ्लेक्सर शीट होगी। आप इसको फील भी कर सकते हैं हम लोग की शीट को, अभी जब पूरा पढ़ाऊंगा तब फिर बताऊंगा। ठीक, तो देखो भगवान ने जो यहाँ की डीप फेशिया थी उसको से आर्क बनाया, आर्क आप देखो इसे देख भी सकते हैं ऐसे आर्क हम लोग, जो ये वाला पार्ट है फिंगर, तो आर्क है थोड़ा टाइप का, मतलब दोनों साइड झुका हुआ है, आर्क बनाया इसको। आर्क क्यों बनाया, ताकि अंदर से जो फ्लेक्सर के टेंडेंस है वो पास हो सके। कौन से फ्लेक्सर के टेंडेंस, तो फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस, इन दोनों मसल्स के टेंडेंस जो होते हैं वो पास हो सके इस आर्क से, इसलिए भगवान ने आर्क आर्क से बनाया। ठीक, अच्छा तो देखो डीप फेशिया ऑफ द एंटीरियर सर्फेस ऑफ ईच डिजिट थिकन एंड आर्क ओवर द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस टू फॉर्म फाइब्रस फ्रैक्चर शीट ऑफ फिंगर्स। एक्सटेंशन कहां से कहां होता है, तो फिर तुम देखो ये जो हेड ऑफ मेटाकार्पल है, देखो ये होती है मेटाकार्पल्स, 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 इनसे अटैच होती है फेलेंजेस, फेलेंजेस होती है अटैच, तो इनका एक्सटेंशन होता है जो हेड होता है मेटाकार्पल का, वहां से टू द बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स। डिस्टल फेलिंग्स मतलब सबसे दूर वाले जो फेलिंग्स वो होती है फेलेंजेस, उन्हें बोलते हैं डिस्टल फेलिंग्स। इनके बेस तक, बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग से लेके कहां से, हेड ऑफ मेटाकार्पल, ये होता है इनका एक्सटेंशन, मतलब यहां से यहां तक ये प्लास्टर होता है। ठीक, अब देखो पहली बात ये उसका ढांचा है, देखो फाइबर फर्स्ट चीज जो होती है वो ऐसी दिखती है, देखो ये आर्क बनी हुई है, एक यहां भी एक टनल बन गई है, क्या बन गई, एक सुरंग टाइप की बन गई है ना, सोचो ऐसे फिर एक ऐसे, एक सुरंग बन गई है। ठीक, तो फिर ये देखो ये उसी सुरंग का रास्ता है, ये देखो। ठीक, ये उसका ढांचा है फाइबर फर्स्ट शीत का। ठीक, अच्छा जो दो 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 ये होते हैं ना फेलेंजेस, उनके बीच में एक लिगामेंट होता है, पाम साइड सिर्फ वो होता है लिगामेंट, उसे बोलते हैं फार्मर लिगामेंट ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट। आप इसे फील भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे आप छूओगे अपने, यहाँ पे जहाँ पे दो ये अटैच होती है यहाँ पे, यहाँ पे, तो फिर देखो आपको कुछ फील होगा कि कुछ लिगामेंट टाइप, कुछ रस्सी टाइप आपको फील होता है, कुछ रोप टाइप का। ठीक, तो ये वही पामर लिगामेंट होता है। ठीक, तो इनको क्रॉस करती है पूरा, कहाँ तक जाती है, डिस्टल फेलिंग के बेस तक। ठीक, अब देखो इसका ये वाला डायग्राम दिखा रहा है इसका कंटेंट, देखो ये जो पिंक कलर से बनाया है, ये फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस का, देखो ये गई है बिल्कुल लास्ट वाले फेलिंग्स के बेस तक, और ये जो ऊपर से, जो इसके ऊपर से आई ये हरी वाली, ये फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियली, देखो इसका टेंडन जो होता है ये आके प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। देखो ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, ये डिस्टल फेलिंग्स है, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे जब आता है इसका टेंडन फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस का, तो वो दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है, और जो दोनों स्लिप होती हैं इसकी, वो जाके फाइनली जो बीच वाली वो होती है फेलिंग्स, उस पे आके अटैच हो जाती हैं, बीच वाली फेलिंग्स पे। ठीक, अच्छा जो थर्ड डायग्राम है इसमें हम लोगों ने इसका एक्सरे करा है, समझ लो जो हम लोग की फाइब्रस फ्रैक्चर शीट थी इसको निकाल लिया, इसका एक्सरे करा, देखा ये अंदर से कैसे दिखती है। तो इसमें दो टाइप के पार्ट होते हैं, एक होता है क्रूसीफॉर्म वाला पार्ट, देखो ये जो क्रॉसिंग बनी हुई है ये क्रॉस, ये है क्रूसीफॉर्म वाला पार्ट, और ये जो बीच में थे ट्रांसवर्स फाइबर्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं एनुलर या ट्रांसवर्स पार्ट। ठीक, अच्छा अब इंजीनियरिंग देखो भगवान ने क्या करी, ये जो क्रूसीफॉर्म वाला पार्ट है ये यहां पे होता है जहां पे दो फ्लेंजेस आके जुड़ती हैं। ठीक, और ये जो एनुलर वाला पार्ट होता है ये कहां पे होता है, फ्लेंजेस के ऊपर ऊपर, और जहां पे जॉइंट आने वाला होगा वहां पे क्रूसीफॉर्म वाला पार्ट, मतलब यहां पे होगा क्रूसीफॉर्म वाला पार्ट, फिर यहां पे एनुलर पार्ट, एनुलर पार्ट, एनुलर, एनुलर, फिर यहां पे क्रूसीफॉर्म, फिर एनुलर, एनुलर, एनुलर। ऐसा भगवान ने क्यों किया, एनुलर वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा उसमें टाइट फाइबर्स होते हैं, टाइट फाइबर्स, इसके से क्या होता है, इसके से हम लोग की हैंड की जो ग्रिप होगी वो बढ़िया बनेगी, ग्रिप अच्छी बनेगी। देखो अगर ये वाला मूवमेंट हो पा रहा है ना, ये वाला मूवमेंट, ये वाला, तो ये इसी वजह से हो पा रहा है, इसी वजह से ये मूवमेंट हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे एनुलर वो है क्रूसीफॉर्म वाले फाइबर्स होते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो
तो है क्या ये सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया फिंगर्स है, एक्सटेंड कहां से कहां करता है वो मैंने आपको बता दिया, हेड ऑफ मेटाकार्पल से टू द बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स एक्सटेंड करता है। इसका कंटेंट क्या होता है, इसके अंदर से क्या पास होता है, तो इसके अंदर से पास होता है फ्लेक्सर टेंडन्स, फ्लेक्सर डिस्टम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिस्टम डिस्टोरम प्रोफंडस। इसमें दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से, क्रूशिएट फाइबर्स और एनुलर फाइबर्स। बस इनकी हेल्प से क्या होता है, ग्रिप हैंड की अच्छी बनती है। तो ये खत्म हो गया, इतना ही थ्योरी है, फिर भी कुछ पढ़ लेते हैं। देखो, आर्ड फाइबर शीथ इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ फैलेंजेस एंड पामर लिगामेंट ऑफ इंटरफेलेंजल जॉइंट। अब देखो ये जुड़ी कहां कहां पे होती है, तो मैंने कहा था ना कि ये मार्जिन ऑफ फेलेंजेस, जो फेलेंजेस के मार्जिन है मतलब यहां कहीं जुड़ी होगी फेलेंजेस के मार्जिन, और जो इंटरफेलेंजल जॉइंट है यहां पे जुड़ी होगी, यहां पे ये इंटरफेलेंजल जॉइंट से जुड़ी होती है ये आर्क फाइबर्स ऐसे करके, और मार्जिन ऑफ फेलेंजेस पे जुड़ी होती है लेटरल साइड। ठीक, अब देखो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फाइबर फ्रैक्चर शीथ, जो इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है मतलब ये वाला एंड, ये ओपन होता है और एक कॉन्टिन्यूएशन होता है किसका, पामर एपोनिरोसिस का, समझ रहे हो, पामर एपोनिरोसिस जो होती है ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन होता है आगे। ये देखो ओपन एंड कॉन्टिन्यूस विद पामर एपोनिरोसिस, यहां तक पामर एपोनिरोसिस थी, उसका कॉन्टिन्यूएशन क्या क्या होता है, फाइबर फ्रैक्चर शीथ। डिस्टल एंड, डिस्टल एंड कहां पे होता है, तो डिस्टल एंड ऑफ फाइबर फ्रैक्चर शीथ पामर सर्फेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स जस्ट डिस्टल टू द इंसर्शन ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। देखो ये जो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस है ना, जहां पे इसका इंसर्शन होता है उसके जस्ट डिस्टल ही खत्म हो जाती है फाइबर फ्लेक्सर शीथ, उसके जस्ट डिस्टल, जैसे वो खत्म हुआ उसके थोड़ी थोड़ी दूर बाद फाइबर फ्लेक्सर शीथ खत्म होगी, क्योंकि इसका काम ही क्या था, फ्लेक्स जो टेंडन्स थे उनके लिए रास्ता बनाना, इसने रास्ता बना दिया, तो जैसे ही रास्ता खत्म हो गया ये भी खत्म हो गई। ठीक, अब देखो FFS इज अ ब्लाइंड ऑसियोफाइब्रस टनल, मैंने पहले बता दिया था। ठीक, इसका कंटेंट क्या होता है, तो मैंने बताया था इसके कंटेंट होते हैं दो टेंडन, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। ठीक, अच्छा ये तो रही बात फिंगर्स की, लेकिन जो यहां की फाइबर फ्लेक्सर शीथ होगी थंब की, वहां पे ये तो होंगी नहीं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो ऑसियोफाइब्रस टनल ऑफ थंब कंटेन टेंडर ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि जो फाइबर फ्लेक्सर शीथ मतलब जो ऑसियोफाइब्रस टनल बनी है थंब के ऊपर, उसके अंदर से कौन सा टेंडन जाता है, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का। ठीक, अब देखो FFS इज थिक ओवर फेलेंजेस एंड थिन ओवर इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स टू परमिट फ्लेक्शन। देखो यहां की स्किन मोटी है थोड़ी सी, यहां की स्किन थोड़ी सी मोटी होती है, यहां की, और यहां की स्किन देखो तुम खुद ही छू के देखो थोड़ी सी थिन लगेगी। ठीक है, तो इस थिक ओवर फेलेंजेस एंड थिन ओवर आईपी जॉइंट्स टू परमिट फ्लेक्शन, ताकि फ्लेक्शन आराम से हो जाए, ये हो जाए आराम से, इसलिए ऐसा है। ठीक, एनुलर एंड क्रूशिएट एंड क्रूसीफॉर्म पार्ट आर थिकेंड रीइंफोर्समेंट ऑफ फाइब्रस फ्लेक्चर शीट, ये मैंने पहले बता दिया था। ठीक, अब आ जाओ इसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन जो है ट्रिगर्स फिंगर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फिंगर होती है वो फुल फ्लेक्स हो जाती है, ऐसी ही हो गई फ्लेक्स। ठीक, अब अगर अब इसका एक्सटेंशन नहीं हो पाता है, इसका एक्सटेंशन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जो टेंडन होता है ना फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस का, वो खा खा के मोटा हो गया होता है, खा खा के मोटा होने का मतलब है कि उसमें कोई सूजन आ गई, कोई स्वेलिंग आ गई। अच्छा, तो जो रास्ता होता है ना सुरंग, उसके अंदर तो एक लिमिटेड रास्ता होता है, अब तुम बहुत मोटे हो जाओगे तो तुम उस टनल से पास ही नहीं हो पाओगे, तुम उस टनल के अंदर फंस जाओगे, बस यही होता है ट्रिगर्स फिंगर में। जो टेंडन होता है फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस का, उसके अंदर आती है स्वेलिंग और वो फंस जाता है उसके अंदर, और जब उसके अंदर से फंस गया है तो एक्सटेंशन नहीं हो पाता है इसका, क्योंकि जब एक्सटेंशन करेंगे तो उस टेंडन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड तो कर नहीं पाएगा क्योंकि फंसा हुआ है, तो जबरदस्ती एक्सटेंशन करवाना पड़ता है, जबरदस्ती इसको से खींच के जबरदस्ती पीछे ले जाना पड़ता है, और जब पीछे इसको ले जाते हैं ना तो एक आवाज आती है, ऐसे आवाज आएगी और अचानक तुम्हारा वो हो जाएगा एक्सटेंशन, अचानक एक्सटेंशन होगा, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे एक्सटेंशन होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, फिर तुम उसको दम लगाओगे थोड़ी सी और फिर टक से सीधे बिल्कुल ऐसे एक्सटेंड कर जाएगी ये। ठीक, फिंगर गेट्स लॉक्ड इन फुल फ्लेक्शन। ठीक, एंड कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर एक्सेसिव वॉलेंट्री एफर्ट विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड। एक्सटेंशन अकर सडनली विद अ क्लिक, अकर्ड ड्यू टू लोकलाइज्ड थिकनिंग इन फ्लेक्सर टेंडन, टेंडन गेट्स कॉट इन ऑसियोफाइब्रस टनल एंड ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, सर्जिकल इंसिजन ऑफ फाइब्रस फ्लेक्चर शीथ। ये था ट्रिगर फिंगर। ठीक, अब हम लोग आते हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पे। देखिए जो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन है ये बिल्कुल समझ लो जो यहां पे हो रहा था फ्लेक्सर साइड, अब ये वही होगा एक्सटेंशन साइड। एक चीज मैं तुम्हें नोटिस करवाऊंगा, अभी नहीं बाद में करवाऊंगा। खैर, अब देखो अब हम लोग का फ्लेक्सर साइड खत्म हो गया, अब आ जाओ एक्सटेंशन साइड पे। ठीक, अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक्सटेंसर डिजिटोरम जो मसल है उसके टेंडन्स आएंगे। ईच टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम एक्सपेंड ओवर मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट टू कवर इट्स डॉर्सल एस्पेक्ट एंड साइड्स लाइक अ हुड एंड फ्यूज एंटीरियरली विथ फाइब्रस फ्लेक्चर शीथ। ध्यान समझना मेरी बात को भाई। अब देखो
ये क्या कह रही लाइन, ईस्ट टेंडन ऑफ एक्सटेंशन डिजिटोरियम एक्सपैंड। देखो ये है मेटाकार्पल, ये है फेलेंजिस्टिक, ये है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, क्योंकि ये फेलेंस और मेटाकार्पल के बीच में है। तो जो टेंडन होता है ना इसका, एक्सटेंशन डिजिटोरियम को एक्सपैंड करने लगता है, मतलब उसके विंग्स बनने लगते हैं काइंड ऑफ, कहां पे, ओवर द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट टू कवर इट्स डॉर्सल एस्पेक्ट, ताकि डॉर्सल एस्पेक्ट इन इन पूरी फिंगर्स का वो कवर कर ले, ऐसे विंग्स की तरह होने लगता है, समझ रहे हो। टेंडन जा रहा था, अचानक इसके विंग्स निकलने लगे। विंग्स क्यों निकले, ताकि जो डॉर्सल एस्पेक्ट है फिंगर का ऊपर से उनको कवर कर सके, ठीक। एंड साइज लाइक अ हुड एंड फ्यूज एंटीरियरली विद फाइबरस फ्लेक्चर शीथ, और पीछे कौन थी, पीछे थी फाइबरस फ्लेक्चर शीथ, ये बॉडी की एंटीरियर साइड है ना, और पीछे क्या है, पोस्टीरियर साइड। तो यहां पे थी फाइबरस फ्लेक्चर शीथ, यहां से वो टेंडन एक्सपेंड करेगा और जाके जुड़ जाएगा किससे, फाइबरस फ्लेक्चर शीथ से। सोचो ये थी फाइबरस फ्लेक्चर शीथ, तो नीचे से आए, उसका एक्सपेंशन आया, ऐसा के जुड़ गए, समझ रहे हो। और अंदर क्या है, बोन्स हैं, टेंडन्स हैं, सब है, समझ रहे हो हुआ क्या, ये वो आई, उसका एक्सपेंशन आया और आके एंटीरियरली जुड़ गई फाइबरस फ्लेक्चर शीथ के साथ, ठीक। अब देखो द टेंडन ऑफ, अच्छा अब देखो इस शीथ में एक मसल होती लंबराइकल और इंट्रोशियल, दो मसल होती, उनके इंसर्शन भी होते हैं, मतलब ये मसल आके इन्हीं शीथ में खत्म करती है। जब ये शीथ फैल रही होती है तभी टेंडन देखो आए, देखो लेटरल एज ऑफ डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन रिसीविंग इंसर्शन ऑफ वन इंट्रोसी एंड वन लंबराइकल मसल। देखो लेटरल साइड डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन के लेटरल साइड, मतलब लेटरल साइड कौन सी होगी बॉडी की, ये वाली मान लो ये है, तो इसके लेटरल साइड ये होगी, इसके लेटरल साइड इस फिंगर की, और ये होगी मीडियल साइड, तो इसके लेटरल साइड आके डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन में दो टेंडन्स फ्यूज करेंगे। उनका नाम क्या क्या होगा, एक होगा इंट्रोसी का टेंडन और एक होगा लंबराइकल का टेंडन, दोनों मसल है, ठीक। और इसकी मीडियल साइड, मीडियल साइड सिर्फ इंट्रोसी आके फ्यूज करेगी, मतलब लेटरल साइड दो टेंडन आके फ्यूज करेंगे, किसके, लंबराइकल और इंट्रोसी के, और मीडियल साइड सिर्फ और सिर्फ इंट्रोसी का टेंडन आके फ्यूज कर जाएगा, इस एक्सपेंशन के में फ्यूज कर जाएगा, मिल जाएगा, ठीक। तो इसको याद कर लोगे एल, एल आई एल, लेटरल साइड इंट्रोसी प्लस लंबराइकल, और मीडियल साइड सिर्फ इंट्रोसी, ठीक। देखो द टेंडन ऑफ लंबराइकल एंड इंट्रोसी आर इंसर्टेड इनटू दिस एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक्सपेंशन नैरोज एज टेंडन ऑफ लंबराइकल एंड इंट्रोसी कन्वर्ट्स इट ऑन द डॉर्सम ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स एंड स्प्लिट इट इनटू थ्री स्लिप्स। देखो ये जो एक्सपेंशन था ये यहां पे तो फैला हुआ था, लेकिन ये एक्सपेंशन देखो नैरो कर रहा है, और इनको नैरो कौन कर रही है, जो रस्सियां थी, जो टेंडन थे इंट्रोसी और लंबराइकल के, वो इनको नैरो कर रही है अब इनको, कि तुम चलो अपनी बाउंड्री में आओ, ठीक। एक्सपेंशन नैरोज एज टेंडन ऑफ लंबराइकल एंड इंट्रोसी कन्वर्ट्स इट ऑन द डॉर्सम ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के ही डॉर्सम पे, देखो ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, ये डिस्टल फेलिंग्स है, यहीं पे इनको कन्वर्ज कर देती है, ठीक ठीक। एंड स्प्लिट इट इनटू थ्री स्लिप्स, और इसको तीन स्लिप्स में तोड़ देती है। देखो जो इसका टेंडन था वो अब तक एक ही था, लेकिन जब ये आके इंसर्ट करी इसमें तो ये तीन स्लिप्स में टूट गया, एक स्लिप ये रही और बाकी की दो स्लिप्स ये रही, ठीक। अब हमें पढ़ना है कि ये कहां कहां पे जुड़ती है, तो हमें दिख रहा है कि जो सेंट्रल स्लिप है वो तो जाके मिडिल फेलिंग्स के बेस पे जुड़ गई, ठीक, और जो बाकी की दोनों लेटरल स्लिप थी वो आती हैं और हेड ऑफ मिडिल फेलिंग्स पे फिर से कन्वर्ज करती हैं, और फाइनली एंड कहां पे करती हैं, डिस्टल फेलिंग्स के बेस पे। कहानी की तरह ध्यान रखना भाई, कि ये इनको कन्वर्ज करते हैं, और ये जो टेंडन होता है एक्सटेंसर डिस्टोरियम का, ये तीन पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, जो सेंट्रल पार्ट है वो मिडिल फेलिंग्स के बेस पे इंसर्ट करता है, और जो दोनों इसके लेटरल पार्ट है वो आके फिर से जुड़ते हैं ऑन द हेड ऑफ मिडिल फेलिंग्स, और फिर वो कहां जाके इंसर्ट करते हैं, ऑन द बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स, ठीक है। देखो सेंट्रल स्लिप इंसर्टेड ऑन द बेस ऑफ मिडिल फेलिंग्स एंड लेटरल स्लिप ऑन द बेस ऑफ टर्मिनल फेलिंग्स, ये सब तुम भूल जाओ कि ये कहां पे कन्वर्ज करें, बस इतना ध्यान रखना कि लेटरल स्लिप इंसर्टेड ऑन द बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स, बस खत्म। जो सेंट्रल स्लिप थी बेस ऑफ मिडिल फेलिंग्स पे इंसर्ट कर रही है, और जो लेटरल स्लिप थी वो बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स पे इंसर्ट कर रही है, खत्म कहानी, ठीक। अब ये दो क्लिनिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने लिखा हुआ है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स। पहला है मैलेट्स फिंगर या क्रिकेटर्स फिंगर या बेसबॉल फिंगर। देखो इसमें क्या होता है, ये जो लेटरल स्लिप के टेंडन्स थे जो कि जाकर डिस्टल फेलिंग्स के बेस पे इंसर्ट कर रहे हैं ना, ये ब्रेक कर जाते हैं, टॉर्न कर जाते हैं, टूट जाते हैं। कोई क्रिकेट की बॉल बहुत तेज तुम कैच ले रहे हो, बॉल आके यहाँ पे लग गई, तो इस टेंडन को इसने टॉर्न कर दिया, टेंडन को टॉर्न कर दिया। टेंडन किसका था, एक्सटेंशन का था, मतलब एक्सटेंशन अब नहीं हो पाएगा, मतलब जो फिंगर थी वो, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये परमानेंटली फ्लेक्स्ड रहेगा, उसका एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो टेंडन है वो टूट चुका है। इसी को हम बोलते हैं मैलेट्स फिंगर, और ज्यादातर ये जो क्रिकेटर्स खेलते हैं उनके दिखाता है। देखो इसका जीता था एग्जांपल हूं मैं, ठीक। देखो ये मेरी फिंगर है, ये वाली इंडेक्स फिंगर, ये देखो रिंग फिंगर सॉरी। तो देखो ये फ्लेक्स है थोड़ी सी, तो मैं देखो थोड़ी सी हल्की सी दिखेगी कि ये बेंडेड है,
देख क्योंकि मुझे बॉल लग गई थी क्रिकेट खेलते हुए और टेंडन जो मेरा एक्सटेंशन का था वो जा चुका है, तो अब देखो मैं अगर इसको सीधा करूंगा ना, इसका एक्सटेंशन करवाऊंगा तो ये अपने आप फिर से टेढ़ी हो जाएगी। देखो फिर से टेढ़ी हो जाएगी क्योंकि मेरा जो टेंडन वो टूट चुका है। इसे बोलते हैं मैलेट्स डिफॉर्मिटी। इसकी थ्योरी पढ़ो। थ्योरी देखो क्या है, इंसर्शन ऑफ एक्सटेंसर टेंडन इनटू बेस ऑफ टर्मिनल फेलिंग्स टॉर्न बाय फोर्सफुल ब्लो एंड टिप ऑफ फिंगर डिस्टल फेलिंग्स फ्लेक्स्ड, या फिर और स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं इसे, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, बटन होल डिफॉर्मिटी। बटन होल डिफॉर्मिटी देखिए इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है मैलेट्स का। अगर सेंट्रल पोर्शन ऑफ टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम गया ये वाला पोर्शन, तो इसे तो अब होगी बटन होल डिफॉर्मिटी। ठीक, मतलब देखो ये जो ये वाला है हम लोग का ये मिडिल और प्रॉक्सिमल फेलिंग्स को जोड़ रहा था, मतलब मिडिल और प्रॉक्सिमल को, मतलब यहाँ पे, तो ऐसे हो जाएगी तुम्हारी फिंगर, ऐसे ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटर फेलेंजियल जॉइंट, देखो ये हम लोग के इंटर फेलेंजियल जॉइंट कितने होते हैं, दो ही तो होते हैं, एक ये वाला प्रॉक्सिमल और एक ये डिस्टल, ये तो मेटाकॉर्पोफेरेंजियल जॉइंट है। इंटरफेरेंजियल जॉइंट तो यही होता है, एक प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और एक डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक, तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ड्यू टू रप्चर ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, क्योंकि जो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन का जो सेंट्रल पोर्शन था, जो सेंट्रल स्प्लिट थी, वो डैमेज हो चुकी है। पीआईपी जॉइंट मतलब प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पोक्स थ्रू एक्सटेंशन एक्सपेंशन, पोक्स का मतलब बाहर आना, ऐसे अपना सर निकालना, ऐसे पोक्स थ्रू एक्सटेंशन, सॉरी डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। ठीक, तो ये था मैलेट्स फिंगर, बटन होल फिंगर। तो देखो थ्योरी ज्यादा है इसमें और चीजें समझने वाली ज्यादा है, आई होप आपको समझ में आई होंगी दोनों चीजें। ठीक है, थैंक यू।